चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बिहार आते ये चर्चा तेज हो गई है और बिहार में भाजपा और तेजस्वी यादव के अंदर बेचैनी शुरू हो गई है। इसका अंदाजा आप उनके बयानों से भी लगा सकते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने बयान दे दिया कि प्रशांत किशोर बिहार में नहीं चल पाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी बड़ा बयान दिया। उनका मानना था कि बिहार में चार ही दल चलेंगे, बाकी किसी भी दल के लिए राजनीति करना संभव नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये बातें कही, एनडीए के अंदर विद्रोह शुरू हो गया और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जमकर निशाना साधा। वहीं अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर को लेकर तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी कई बार बयान दे चुके हैं। अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो बिहार में छोटे छोटे स्तर पर संगठन बनाकर और छोटी छोटी पार्टियां बनाकर बिहार की राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक माहौल को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार उन नेताओं से, उन लोगों से मिल रहे हैं जो लोग बिहार में जमीनी स्तर पर कार्य करके अपनी पार्टी के उत्थान को लेकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की कई अन्य नेताओं से। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। ये प्रशांत किशोर की मुलाकात की तस्वीरें हैं और पिछले दिनों पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से प्रशांत किशोर की मुलाकात और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान देना, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की भी घोषणा की बात कही है और कुछ दिन में हो सकता है नई पार्टी की घोषणा कर दी जाए। लेकिन खबर प्रशांत किशोर को लेकर जब आई है तो ये बातें तय मानी जानी चाहिए कि प्रशांत किशोर उन रणनीतिकारों में से एक हैं जिनका आकलन और जिनकी रणनीति लगातार सही हुई है। ऐसी स्थिति में चाहे प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना हो, बिहार में 2015 में राजद और जदयू के गठबंधन में पूर्ण बहुमत हासिल करना हो, या ममता बनर्जी की जीत को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कई चुनावों में प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बनाई और रणनीति के बदौलत प्रशांत किशोर को काफी चर्चा में लाया गया। प्रशांत किशोर अक्सर चर्चा में इसलिए भी रहते हैं कि वो जो रणनीतियां बनाते हैं उस रणनीति पर कहीं ना कहीं खड़े उतरने की बात लगातार होती है। ऐसी स्थिति एक बार फिर से बिहार में होती है और खासकर बिहार में भाजपा और राजद के अंदर ये बेचैनी बढ़ेगी, इसलिए कि जदयू से प्रशांत किशोर का रिश्ता काफी सहज है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले को लेकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी बातों को जानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर बिहार में राजनीति करने आए हैं और बिहार की राजनीति में स्थापित होते हैं तो घाटा किनको है और फायदा किनको है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं और इस मौके पर भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रशांत किशोर दिल्ली में रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में अगर रणनीति बनाते हैं तो जदयू और कांग्रेस के गठबंधन को होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर के बिहार आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। इंतजार करना होगा प्रशांत किशोर के अगले स्टेप का। और भी खबर हमारे पास है, उनके अपडेट्स के लिए लगातार आप हमारे पास बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।